हेलो मेरा नाम भारवी कुबरे है मैं एक गौंड आर्टिस्ट हूँ और मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रहती हूँ एक्चुअली uh, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है और भोपाल हमारा जो है यहाँ पर एक ट्राइबल म्यूज़ियम है और कई सारे म्यूज़ियम है लेकिन उनमें से एक ट्राइबल म्यूजियम भी है जो कि बहुत अच्छा है और uh, वहाँ पर विज़िट के लिए गई थी मैं एंड uh, इससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि कोई गौंड आर्ट होती भी है मैंने देखा वहाँ पर कि गोंड आर्ट की गैलरी है वहाँ पर लिखंदरा करके एग्जीबिशन लगा हुआ है ट्राइबल आर्टिस्ट का पटनगढ़ से एक आर्टिस्ट थे और मैं इसलिए इतना खींची गई उसमें क्योंकि मैं खुद एक गोंड ट्राइब को बिलोंग करती हूँ और मुझे पता नहीं था फिर जब मैंने देखा कि गोंड आर्ट का एग्जीबिशन है और मैंने अंदर जाके देखा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड uh, मुझे लगा कि मैं भी इस चीज़ को करना चाहूँगी क्योंकि गोंड आर्ट में मुझे उस टाइम में एक इनोसेंस दिखी थी और uh, वाइब्रेंट कलर्स जो थे उन्होंने यूज़ किए थे और आ, नेचर को दिखाया था दर्शाया था और ज़्यादातर आर्टिस्ट में आप यही पाएंगे तो मेरी आ, मैंने इतने आ, बारीक तरीके से वहाँ पर जो पूरा एग्जीबिशन देखा था कि मेरी आधी अंडरस्टैंडिंग जो है समझ जो है पेंटिंग्स की गोंड आर्टिस्ट होने की वहीं पर जो है बैठ गई थी और आ, मैंने उसके बाद आके डिसाइड किया कि मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ मैं बताऊँगी कि आ, जो स्टडी मेरी रही है आधी तो मेरी वहीं से हो गई थी क्योंकि गोंड आर्ट में मेन होते हैं पैटर्न्स और कलर्स आप क्या पैटर्न कर रहे हो क्या कलर कर रहे हो और नेचर तो नेचर को ही हम दिखाते हैं उसमें और पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं तो बेशक मैंने पैटर्न्स क्या क्या हैं उनके लिए आ, सर्च किया कि और क्या क्या पैटर्न्स यूज़ होते हैं किस किस आर्टिस्ट ने कैसे कैसे काम किया तो मेरे जहन में एक नाम था भज्जू श्याम क्योंकि भज्जू श्याम को मिला था पद्म भूषण तो मैंने भज्जू श्याम की जो आर्ट देखी वो आर्ट जो मैं करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अलग है और अच्छी है और उनके कई बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उनके एग्ज़िबिशन्स भी होते हैं हालांकि मैं उनके जैसा नहीं कर पाई मगर हाँ मुझे इंस्पिरेशन उनसे बहुत मिली है और फिर देख दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनसे मुझे कलर्स की इंस्पिरेशन मिलती है वो हैं वेंकट रमन और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं ये भी अवार्डी आर्टिस्ट हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगी इन दो आर्टिस्ट का नाम लूँगी जिनसे मैं पर्सनली तो नहीं मिली हूँ लेकिन इनसे मैं मैं बहुत ज़्यादा इनके वर्क से इंस्पायर हुई हूँ ये जो भी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ इन पेंटिंग्स में मैं नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ और आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या कलर यूज़ करना चाहता है जैसे कि ये काफ़ी एनशियट आर्ट है तो पहले के ज़माने में तो कलर्स भी नहीं होते थे अभी एक्रेलिक कलर्स आ गए हैं तो पहले के ज़माने में ब्लैक कलर के लिए कोयला यूज़ कर लिया रेड के लिए गेरुआ मिट्टी यूज़ कर ली या फिर किसी फ्लावर से ले लिया ऑरेंज के लिए हम एक आता है आ, ऑरेंज कलर का उसमें से ऐसे फूटते हैं और फिर ऑरेंज कलर के दाने निकलते हैं तो वो यूज़ करते थे इस तरह से अलग अलग वाइट कलर के लिए छुई मिट्टी यूज़ कर ली इस तरह से अलग अलग, अलग कलर्स पहले बनाया करते थे ब्रशेस भी नहीं हुआ करते थे तो ब्रशेस के लिए आ, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मुझे मेरी मदर से ये सब चीज़ें डिटेल्स जो है वो मिली ब्रश के लिए एक तरह की घास आती है मैं उस घास का नाम जो है वो अभी स्किप कर रही हूँ तो वो घास तोड़ लाते थे उसको इकट्ठा करते थे और उसका एक बहुत ही महीन बहुत ही अच्छा ब्रश बनाते थे थे और फिर उससे पेंटिंग करते थे और पेंटिंग का वैसे ये जो गौन पेंटिंग है इसका काम वैसे ज्यादातर औरतें करती थी क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब घर सजाने में आती थी कि इन चीजों से घर सजता है तो घर सजाया जाता था पेंटिंग करने में पेंटिंग yeah, इस तरह से नहीं होती थी जैसे कि पहले के ज़माने में अनाज को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए घर में स्टोर करने के लिए कहेंगे हम एक बहुत बड़ी मिट्टी की वो बनाई जाती थी जो अभी ट्राइबल म्यूज़ियम में उस तरीके का अभी भी आपको दिख जाएगा तो अगर हमने वो बनाया है मिट्टी का इतना बड़ा तो उसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है उस पर एक छोटी सी चिड़िया बना दी उस चिड़िया को सजा सजा दिया या फिर जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स में ऐसे पैटर्न्स बना दिए और आप देखेंगे कि कई घरों में छुई मिट्टी से ढिग लगी होती है तो ये आर्ट का बेस जो है वो ढिग से ही आता है अधिकतर और फिर उस ढिग के भी कई सारे पैटर्न्स होते हैं ढिग मतलब होता है कि वो जो हम छुई मिट्टी से कच्चे घरों में लिपाई के बाद जो है गोबर से लिपाई के बाद एक कपड़े से करते हैं और उसमें भी पेंटिंग ब्रश का यूज़ नहीं होता है कपड़े का एक पर्टिकुलर ऐसे बनाया जाता है कि हाँ इतना ही रहेगा और पूरे में एक ही लाइन का एक ही डिस्टेंस का मेजरमेंट का वो बनता है तो इस तरीके से आ, मैंने देखा है मेरी नानी दादी के घरों में आ, जो दरवाजे हुआ करते हैं खिड़कियाँ दरवाजे और जो दीवार में जो खिड़कियाँ बनी हैं बनी बनती थी पहले आजकल नहीं बनती हैं जैसा कि ट्राइबल म्यूजियम में है आप लोग विजिट कर सकते हैं तो उसमें जो उसको कहते हैं अरिया हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में तो उसमें भी पैटर्न्स बने होते थे चिड़िया बना दिया मोर बना दिया मछली बना दी तो ये सब मैंने एक्चुअली पहले से देखा है तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई और मेरा आर्टिस्ट मेरा क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके अलावा मेरे कई क्रिएटिव टी चलती रहती हैं तो इसमें मेरा इंटरेस्ट आया और मैंने ये शुरू किया तो इस तरह से ये पैटर्न्स और ये सब मैंने रिसर्च किए फिर ये जो मेरी पेंटिंग है ये पेंटिंग आप देखिए इसमें आप दो तरह के सीन देख सकते हैं यहाँ पर भी वही सीन दिखेगा आपको और यहाँ पर भी वही सीन दिखेगा मैं ये एक से ही सीन को दो तरह के सीन इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप इस पर इस तरफ से देखेंगे तो आपको एक ट्राइबल लेडी जो है कि पानी के रिफ्लेक्शन में टाइग्रेस को देखती है अपने आप में ट्राइबल लेडी पानी के रिफ्लेक्शन में टाइग्रेस को देख रही है कि वो शेरनी है वहीं किसी जंगल में नदी में कोई टाइग्रेस एंटर हुई है और वो अपने आप में वुमेनहुड देखती है कि वो एक नारी है उस तरीके से तो ये पेंटिंग जो है ये टाइग्रेस और जो फीमेल है उन दोनों की फीलिंग्स जो है उनको एक ही वे में दिखा रही है फिर उगई हमारी ये देखते हैं हम गौंड पेंटिंग गौंड पेंटिंग में मेन होते हैं सेक्शंस और पैटर्न्स। तो ये देखिए मैंने अलग अलग कलर्स से सेक्शंस एंड पैटर्न्स लिए हैं और कलर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो कलर्स वाइब्रेंट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने वाले होते हैं उनको ही इस्तेमाल करते हैं आजकल आर्टिस्ट अपनी मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो बेसिकली पहले हम वाइब्रेंट कलर्स ही यूज़ करते थे तो ये देखिए और गौंड महिलाओं की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा गहने होते हैं और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के गहने होते हैं जैसे कि इसको हमारे यहाँ कहते थे आ, कमर में पहनने के लिए करधनी कहते हैं ये जो है वहीं हमने फिर इन्होंने यहाँ पर जो पहना है इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन ये इस ये इसमें भी चांदी की कई डिज़ाइंस आती हैं और ये उनकी, उन्होंने चांदी की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं फिर हम पैर पे आए तो पैर पे जो है ये जो पतले वाले होते हैं इनको कहते हैं लच्छे और जो हमारे ये मोटे मोटे होते हैं ये पतले होते हैं वो लच्छे होते हैं और जो मोटे होते हैं उनको हम कहते हैं तोड़ा तो ये इस तरीके से और गले में पहनने की भी कई चीज़ें आती हैं पैर में बिछिया होते हैं और अंगूठियां भी होती हैं तरह तरह की और एक और चीज़ होती है ट्राइबल गौंड वुमेन की मैन की मतलब ट्राइबल जो गौंड ट्राइब है उसकी कि इनके शरीर पर गुदने होते हैं ये मैंने अपनी एक पेंटिंग में दिखाया है ये देखिए गुदने जो आजकल होते हैं टैटू लेकिन पहले के टाइम में जो ट्राइबल पीपल जो हैं वो अपने शरीर पर फूल बनवा के रखते थे जैसे कि आप ये मेरी पीछे वाली पेंटिंग जो देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर में इसका साइज है छः बाय चार और ये अभी तक मेरी सबसे बड़ी पेंटिंग है वहीं आप दूसरी तरफ ये वाली पेंटिंग जो देख रहे हैं इस पेंटिंग का साइज़ है पाँच बाय चार तो ये दोनों मेरी अभी तक की बड़ी पेंटिंग्स रही हैं और इनको बनाने में मुझे दोनों को बनाने में एक एक वीक लगा है तो पंद्रह दिन में मैंने इनको कर लिया है वो और ये जल्दी हो गई है आई थिंक क्योंकि वो मैंने दिन रात दिन रात काम किया था मेरे पास टाइम कम था ये दोनों पेंटिंग्स मेरी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड की है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्रीन वाइब ग्रीन लाइफ आप वहाँ से से मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं और और अभी तक मैंने जो है मेरे क्लाइंट्स रहे हैं वो इंडिविजुअल्स रहे हैं फिर रिजॉर्ट्स में जो हैं कुछ होटल्स हैं वो रही हैं मेरी जैसे कि पेंच में एक महुआ रिज़ॉर्ट है वहाँ पर मैंने अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड की हैं और जैसे आप देख रहे हैं पीछे जो पेंटिंग है वो रेडी टू डिस्पैच है और इस तरह से आप मेरे जो है सोशल मीडिया के थ्रू मेरे वर्क को आर्ट वर्क को आप देख सकते हैं